हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज़। हेलो दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे हम दो अलग प्रकार के भोग बनाएंगे कान्हा को चढ़ाने के लिए। ये दोनों ही भोग जन्माष्टमी पे बनाए जाने वाले बहुत ही प्रसिद्ध भोग हैं, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जन्माष्टमी है तो इसे बना के ज़रूर अपने कान्हा को भोग लगाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये साबुत धनिया लिया है, इसे अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है, इसमें कोई कंकड़ पत्थर नहीं है। साथ ही में हमने ये चीनी ली है, आप चाहे तो चीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। इसमें अब धनिया को हम हल्का सा भून लेंगे, हमें हल्का रोस्ट करना है धनिया को। ये धनिया हमारी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, अब हम इसे निकाल के रख लेंगे। इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे, हमें इसे ज्यादा महीन नहीं करना है। कुछ इस तरह से हमें इसे दरदरा पीस लेना है। अब दूसरे बर्तन में हम इसे पलट लेंगे। ये चीनी ली है हमने, अब इसमें हम चीनी डाल के इसे मिला लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच शुद्ध देसी घी डालेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। ये घी हमारा अच्छे से मिक्सचर में मिल चुका है। अब हम इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जिसमें हमने काजू और पिस्ता बादाम लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। ये हमने थोड़ी मिश्री ली है, इसे भी हम इसमें डाल के मिला लेंगे। ये हमारे बाल गोपाल की धनिया की पंजीरी बिल्कुल बनके तैयार है। आप इसे जन्माष्टमी में जरूर बनाएं और बाल गोपाल को जरूर भोग लगाएं इसका। हमारे यहाँ जन्माष्टमी में यह प्रसाद जरूर बनता है, एक बार आप भी इस तरह से बना के जरूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें, और जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक यू। क्योंकि सिंघाड़े का आटा फल होता है, ये हमने गणेश सिंघाड़े का आटा लिया है, इसे हमने माप के 1 कटोरी ले लिया है। ये कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रख दी है, अब हम इसमें घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सिंघाड़े का आटा डाल के अच्छे से भून लेंगे। अब अपने मिठास के अनुसार हम इसमें चीनी डाल देंगे, आप चाहे तो चीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
हमारी चीनी भी अच्छे से हलवे में घुल गई है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे, साथ ही में हम इसमें थोड़ा पानी भी डाल देंगे। अच्छे से चलाते हुए हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। हमें लगातार चलाते रहना है। थोड़े से ही सिंघाड़े के आटे का देखिए कितना ज़्यादा हलवा बन के तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पर हम इसे थोड़ा और ड्राई करेंगे। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसे प्लेन ही बनाया है। इसका स्वाद बिना ड्राई फ्रूट्स के भी काफी अच्छा आता है। ये हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है, काफी हद तक ये ड्राई हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने प्लेट पे चारों तरफ से अच्छे से घी लगा दिया है। अब हम इसी पे हलवे को निकाल लेंगे। ये हमारे सिंघाड़े के आटे का हलवा बिल्कुल तैयार है। आप किसी भी उपवास में इसे बनाकर जरूर खाएं और हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक यू।